ये आप जानते हैं। खैर छोड़िए, एके मिश्रा जी, ये क्या संकेत और क्या संदेश ये जो एग्जिट पोल में तमाम धुरंधर बैठकर कह रहे हैं कि ये उसकी सरकार, इसकी सरकार, उसकी सरकार, देखो इतने वोट प्रतिशत हमने ये हासिल कर लिया, और हम देखिए सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं वो आंकड़े कि सटीक आंकड़े बिल्कुल सही कि भैया बन रही है उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार, उनकी सरकार, और उत्तराखंड में। क्या लगता है आपको, ये एग्जिट पोल बिल्कुल सही और सटीक होते हैं? नहीं देखिए, एग्जिट पोल सही भी हुए हैं, गलत भी हुए हैं, और सबकी अपनी अपनी मेहनत, अपनी अपनी फिलॉसफी होती है। उन्होंने भी काम किया है तो उनको भी नमन है, लेकिन हम केवल एग्जिट पोल पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे मैं समाजवादी पार्टी के जो मेरे मित्र हैं, मैं उनके साथ हूँ, मैं उनका दिल नहीं तोड़ूंगा। अच्छा, अब अगर आप एग्जिट पोल की नहीं मानेंगे, बहुत सारे और चीजों की नहीं मानेंगे, तो आप कैसे एनालाइज करेंगे? अगर 10 तारीख के पहले आपको एनालाइज करना है तो ग्राउंड लेवल पे हकीकत आप देखिए। अभी समाजवादी पार्टी के मित्र बोल रहे थे कि भाई 2,500 लोगों से पूछ के ये बना लिया, तो वोटर तो 14 करोड़ है। आपने 7-8 रैली की, 2.5 लाख लोग एक रैली में आ गए, तो आपने कैसे डिसीजन ले लिया कि आपकी सरकार बनेगी? 100% वोटर तो आपकी रैली पे भी नहीं आए। तो ग्राउंड लेवल पे देखिए किसकी रणनीति अच्छी रही है और उसके साथ लगातार काम किसने किया है। केवल बातों से, बोल देने से नहीं होगा, या हेलीकॉप्टर से घूम लेने से नहीं होता है। तो ग्राउंड पे जिसने ज्यादा काम किया है, जो हमेशा ज्यादा एक्टिव रहा है, उसकी डेफिनेटली चांसेस उसके ज्यादा होंगे। क्वांटिफिकेशन को छोड़ दीजिए, हम नंबर की बात ही नहीं कर रहे हैं, किसके फेवर में जाएगा चाहे जैसे भी। अब बसपा में कोई रैली ही नहीं की, तो आप क्या मानेंगे कि बिना रैली किए, बिना हाथ पैर हिलाए आप चाहेंगे कि सारी सीटें उनको चली जाएंगी? नहीं, नहीं, मिश्रा जी, नहीं होती है ना। हाँ मिश्रा जी, लेकिन लेकिन बीएसपी का कोई तो किरदार होगा ना। आप ये कहेंगे कि भैया हाथी हाथी की चाल में कोई संकेत नहीं छिपा, कुछ तो संकेत होगा ना कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और। सबके किरदार है, सबके, मेरा भी किरदार है सर, आपका भी किरदार है, किरदार तो हर आदमी का है। मैं एक बार बोलता हूँ कि मिनिमम रिक्वायर्ड कि वो असर डाल सके, अगर वो इम्पैक्ट नहीं आता है आपके किरदार से, तो आपका किरदार बेकार है। हाँ, एक ग्लास पानी में एक छोटा सा नन्हा सा टुकड़ा चीनी का डाल देने से वो पानी शरबत में नहीं बदलता है। तो एटलीस्ट एक मिनिमम क्वांटिटी चाहिए। यही चीज वोटिंग और पॉलिटिक्स में भी है। आपकी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। मैं 42 लोगों की, तो देखिए भारत में ना रिसर्च को मजाक बना दिया गया है। हाँ। ये अखिलेश मिश्रा जी अच्छे से समझ रहे होंगे मेरी बात, वो इससे जुड़े रहे, तो रिसर्च को यहाँ मजाक बना दिया गया। मेथोडोलॉजी के नाम पे टीवी चैनल कुछ नहीं दिखा रहे, कौन सी मेथोडोलॉजी थी, सैंपलिंग क्या थी, कैसे सैंपलिंग की गई, और उस डेटा को फिर हम कैसे डिफाइन किया गया। जब तक हम ये सारे डेटा कैसे कलेक्ट किया गया, क्या मेथोडोलॉजी थी, क्या आपने हाइपोथेसिस, मिश्रा जी आप इत्तेफाक रखते हैं? जी नहीं, नहीं मैं इत्तेफाक रखता हूँ चावला जी, इस सब्जेक्ट पे पहले भी मेरी आपसे बहुत डिटेल में बात हुई है डिबेट पे। देखिए मैं एक चीज ये बोलता हूँ, एक तो सैंपल साइज, जहाँ 14 करोड़ वोटर है, मैक्सिमम सैंपल साइज इंडिया में जो गया है वो 1 लाख से कम का ही गया है, पैन इंडिया लेवल पे जब इलेक्शन थे, तो कोई मायने नहीं रखता। दूसरी चीज होमोजीनियस है कि हेट्रोजीनियस, अगर आप एग्जैक्ट रिजल्ट चाहते हैं तो हेट्रोजीनियस होना चाहिए, यानी हर जगह से, ऐसा नहीं कि एक पार्टी का जहाँ पे। तीसरी चीज ये होती है वोटर्स काइनेसिस और वोटर साइकोलॉजी, यहाँ बूथ पे पहुंचते पहुंचते भी वोटर अपनी मेंटेलिटी को बदल देता है, इसका एक क्लासिकल एग्जाम्पल है। एक महीने पहले पूछेंगे तो वोटर ने बोला कि मैं फलाने पार्टी को वोट दूंगा, बीच में इन्फ्लुएंस हुआ तो उसका डिसीजन बदला, बूथ पे जाते जाते माहौल कुछ और हो गया, वहां किसी और को उसने वोट दे दिया। तो पूरे इलेक्शन कैंपेन के फेज में और वोटिंग करने तक 2-3 बार जो शिफ्टिंग वोटर होते हैं, जो अनप्रिडिक्टेड अनडिसाइडेड होते हैं, जो हार्ड कोर वोटर नहीं होते हैं, वही सबसे बड़ा असर डालते हैं किसकी सरकार बनेगी, किसकी गिरेगी। जो आप सुबह डिबेट में बात कर रहे थे कि भाई भीड़ कम दिख रही है, ये वही अनप्रिडिक्टेड अनडिसाइडेड वोटर होते हैं जो कि या तो वोट दे कि मैं, ना दे। मैं विपिन जी, मैं विपिन जी के पास जा रहा हूँ, फिर मैं उसके बाद संदीप दुबे और चौधरी जी आपके पास आऊंगा। ये चीज की स्टडी ही नहीं हो पाती है। मैं हैरान पता क्यों हुआ, हैरान इसलिए हुआ कि एक न्यूज चैनल दिखा रहा था कि भैया यूपी में एक भी निर्दलीय नहीं आ रहा, समझिएगा इस बात को। फिर मैंने थोड़ा आपने जोर लगाया, तब मुझे सामने ये नजर आया कि क्या वाकई में राजा भैया चुनाव हार रहे हैं। अगर मैं मान लूं उनका एग्जिट पोल, तो राजा भैया चुनाव हार रहे हैं, धनंजय सिंह चुनाव हार रहे हैं,
इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अगर कोई निर्दलीय जीत कर नहीं आ रहा है तो नहीं नहीं राजा भैया की अपनी पार्टी है वो निर्दलीय नहीं है। मेरा कहने का ये मतलब है कि अन्यों के खाते में अन्य होता है ना सर कॉल अच्छा, अन्य के खाते को भी जीरो कैसे किया जा सकता है? आप मुझे बताइए कोई एक चुनाव जहां पे अन्य का खाता शून्य रहा हो। हाँ। मुझे पता नहीं कौन सा चैनल है क्या है, नाम बताएंगे चैनल का सर? आप क्यों मैं दिखा रहा हूँ आंकड़े, क्यों मेरे से इतना वैसे मुझसे नाराज रहते हैं? समझा, थोड़ी राज की बात नहीं चावला जी आपसे। एक तो देखिए आपसे कोई नाराज नहीं रहता, ना कोई प्रवक्ता, ना वक्ता, ना कोई पार्टी आपसे कोई नाराज नहीं रहता है। आप इसको नाराजगी मत समझा करिए। देखिए मैं अन्य के खाते में जीरो चला जाए ये किसी के बात से, किसी के गले के नीचे से बात नहीं। इतनी डाइवर्सिटी है यहाँ पे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि अन्य ना जाए। अच्छा दुबे जी कुछ कहना चाह रहे हैं? फिर विपिन जी आप बीएसपी की खामोशी बीजेपी को लाभ पहुंचा गई। किसको फिर फायदा पहुंचा गई? अभी तो रिजल्ट नहीं आए, आप मुझे बताइए कैसे पहुंचा गई, किसको फायदा पहुंचा रही है मेरे ये बता दीजिए फिर। देखिए समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, हमको तो ये पता है कि हमारी सरकार बनने जा रही है 10 तारीख। अच्छा बस इतना पता है 10 को शपथ लेंगे, यानी इतना पता है कि कैसे मान लें? केवल एक आदमी बोल रहा है कि हमारी सरकार बन रही है, हम कैसे मान लें सर? इधर 5000 आदमी बोल रहे हैं कि आपकी नहीं बन रही है। तो मेरा मित्र जी आपको बाई नहीं कि आप मानिए, मैंने कब कहा आप मानिए? मैंने कब कहा आप बोल रहे हैं कि जो आप बोल रहे हैं वो रिजल्ट है और अब आप बोल रहे हैं? अरे तो मैंने कब कहा आप मानिए? मैं अरे मैं दावा कर रहा हूँ ना अपना, मैंने कब कहा आप मानिए? मैं कब कह रहा हूँ आप मत मानिए? आपका अधिकार है, ये आपका अधिकार है मित्रा जी, यार मत मानिए। चौधरी साहब आप ये कह रहे हैं तो आप दुनिया को क्यों मनवाना चाहते हैं? 10 में मान लेंगे आप अपनी मानेंगे 10 में मान लेंगे। अच्छा चौधरी साहब यानी इसमें दम है मिश्रा जी, मिश्रा में दम है कि 10 तारीख को देखेंगे। मिश्रा जी यानी चौधरी साहब आप ये कह रहे हैं कि जो सारे के सारे सैंपल लिए एके मिश्रा जी से लिए गए और सब भाजपा 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 हुआ, आप ये कह रहे हैं? अन्यथा मत लीजिएगा मिश्रा जी, ये मिश्रा जी हमारे बड़े भाई हैं, ये तो मैं आरोप नहीं लगा सकता। मिश्रा जी सारे चैनल वाले मेरे पास ही आके सवाल पूछ रहे थे बार, लेकिन हाँ मिश्रा जी का झुकाव रहता है। अच्छा मिश्रा जी समाजवादी पार्टी से नाराज रहते हैं, अच्छा पता नहीं क्यों रहते हैं। नाम अखिलेश है, नाम अखिलेश है और है भाजपाई, आप ये कह रहे हैं नाम अखिलेश है भाजपाई? मिश्रा जी नाराज रहते हैं, मैं मिश्रा जी के साथ पिछले 3-4 सालों से बैठ रहा हूँ। हाँ। मिश्रा जी के साथ, आपके साथ भी, मैं जब आप इंडिया वॉइस में थे तब मैं मिश्रा जी के साथ बैठा कई बार। अच्छा भैया की उनके भी नाराज रहते थे, केवल मैं ही हूँ, कोई और तारीफ ये तब भी नाराज रहते थे। अच्छा तो आपके पास तब भी ओके ओके मिश्रा जी एक मिनट, आपके प्रेंगे वो काम तो ठीक भी नहीं लगता, लेकिन एके मिश्रा जी मुझे एक बात बताइए कि क्या वाकई में ये नतीजे से आने का पहले जो एग्जिट पोल है कुछ संकेत तस्वीर धुंधली है या फिर बिल्कुल साफ मान ले कि तस्वीर बिल्कुल साफ है? नहीं चावला जी देखिए, चुनाव शुरू होने के पहले भी अगर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में किया जाए, मैं बहुत क्लियर था शुरू से लेके अंत तक, मैंने अपनी बात को बहुत क्लियर कट तरीके से रखा है। रिसर्च या अनुमान लगाने की फोरकास्टिंग करने के 2-3 मेथड होते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव जो ये आप सर्वे और वे देख रहे हैं, दूसरा एक होता है डायनामिक्स ओरिएंटेड, आप देखिए ना क्या क्या धाराएं चल रही हैं, कैसे चल रही हैं, क्या क्या एक्टिविटी हो रही है, आप उसको देख के देखिए, तो मैं क्लियर कट बोलूंगा ये सारे एनालिसिस वगैरह जो भी हो, लेकिन एक रिजल्ट बहुत क्लियर कट है। मिनिमम लेवल पे वर्स्ट केस सिनेरियो एनालिसिस आप करिए तो सबसे लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी होगी, लार्जेस्ट पार्टी की बात कर रहा हूं, बहुमत की नहीं। दूसरी कंडीशन, बीजेपी कितना जाएगी, जितना जीत के लिए सरकार के लिए चाहिए उससे प्लस माइनस 30 सीट आप रखिए, 30-35 सीट, ये फर्स्ट है। सेकेंड चीज, अगर आप मैक्सिमम की देखिए, हालांकि कोई लहर वहर दिखी नहीं, तो मैक्सिमम भी कितना जाएंगे, ये 280-285 तक चले जाएंगे, इससे ज्यादा ये नहीं जा पाएंगे, इतना भी हमें इन्फ्लुएंस नहीं दिखता है, क्योंकि ग्राउंड पे डायनामिक्स देखेंगे तो दूसरी पार्टियों की जो एक्टिविटी रही है वो अच्छा लड़े हैं, या तो परफॉर्म करेंगे या वोट काटेंगे या वोट शिफ्ट करेंगे। तो ये सारे 5-6 डायनामिक्स मिला के आप मुझे ये बताइए, किसी से भी पूछिए कि सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरने के चांसेस किसके ज्यादा हैं, आप केवल एक सवाल पूछिए,
जो किसी टीवी चैनल ने, एंकर ने, किसी भी सर्वे करने वाले ने नहीं पूछा। छोड़िए हार जीत को, किसकी कितनी सीटें आएंगी छोड़ दीजिए, सबसे बड़ी पार्टी बन के कौन उभरेगी पहले ये पता कर लिया जाए। विपिन जी इत्तेफाक रखते हैं मिश्रा जी की बात से, अभी ऑर्डर कर दिया एक घंटे पहले ही, कह रहे हैं कि भैया 10 तारीख को लड्डू और जलेबी महंगे हो जाएंगे। हाँ, जलेबी, लड्डू और फूलों की माला एके मिश्रा जी के घर पहुंचा दीजिएगा। पता चला है मुझे आज तक चावला जी आप स्वागत करी जाए, गुड़ की एक भेली तक नहीं आई है किसी पार्टी से। आप लड्डू और माला की बात कर रहे हैं, किसी भी पार्टी से गुड़ की भेली नहीं ली है मैंने। अरे सर एक सुन तो लीजिए, नाराज क्यों हो रहे हैं मिश्रा जी, उनके पास पीके है तो आप उनके पास एके आ जाएगा, दिक्कत क्या है? आप पीके बैठे जो फैक्ट है, किसी भी पार्टी से एक हमने गुड़ की भेली नहीं ली है और आप चमचम और लड्डू की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, चमचम नहीं खिलाएंगे सर, दुबे जी मित्र हैं आपके, अभी तो उन्होंने कहा मित्र हमारे भी हैं। कोई पार्टी हमें बोल दे, कोई पार्टी बोल दे कि मिश्रा जी को हमने एक गुड़ की भेली भेजी नहीं, है नहीं, नहीं, और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। आप अन्यथा ले रहे हैं बात को, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि जीते कोई भी आपकी पार्टी पक्की है, मैं ये कह रहा था जीते कोई नहीं, हमारी कोई पार्टी नहीं है सर, हमारी पार्टी एक ही है। इस देश के जो सिद्धांत हैं, मेरे अपने स्वतंत्र विचार हैं, मैं इन्फ्लुएंस नहीं होता हूं सर, मैं किसी भी नेता और पार्टी से मैं इन्फ्लुएंस नहीं होता हूं, अपना दिमाग है। हाँ विश्वास जी, मैं मानता हूं आपकी बात को, तभी कभी कभी हो जाता है ना, कोई बात नहीं, आप अन्यथा मत लीजिए, आप भी मेरे मित्र, दुबे जी भी हैं, विपिन जी भी हैं और राहुल तलान जी भी हैं, मैं तो सिर्फ वो जो चल रहा